नमस्ते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः नमस्ते और दिल्ली के लोगों को हमारी तरफ से प्यार भरी राम राम। अब आप कहेंगे दिल्ली वाले कैसे हैं? तो जो दो दिन यहाँ रह जाए वही दिल्ली वाला, आप लोगों को तो 9 दिन हो गए हैं, तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दिल वालों की दिल्ली में हम दिल्ली की टीम की तरफ से आपका हार्दिक वंदन और अभिनंदन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इस मंच को हम प्रणाम करते हैं जिस मंच पर आचार्य भरत मुनि का नाम जुड़ा हुआ है। वो भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना करके नाट्य को और कला को एक नवीन परिभाषा दी। इस मंच पर उपस्थित आदरणीय सीसीआरटी कोऑर्डिनेटर श्री देव नारायण जी के भी हम बहुत आभारी हैं, जिन्होंने इस सांस्कृतिक सम्मेलन में अपनी भागीदारी का हमें यह अवसर प्रदान किया। और 16 राज्यों से आए सभी विद्वान साथियों का भी हृदय से स्वागत है, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हमारे अनुभव में 4 चांद लगा दिए। आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं अंजलि, शकुंतला जी, ये भरत की शकुंतला नहीं है, दिल्ली की शकुंतला है। मैं दर्शना, मैं मिथिलेश, अंजू फ्रॉम दिल्ली। हमारे एक साथी जो बीमार हैं वो अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर होंगे, श्री कुंजी जी जो अभी डॉक्टर के पास गए हैं, अभी आते ही होंगे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, जितने भी अरमान मेरे वो कम ही निकले। आप आए हमारे घर पे, ये खुदा की कुदरत, कभी हम आपको कभी अपने घर को देखते हैं। हर पल गुलजार दिल्ली की ये दीवारें, दरीबे से उठती जलेबी की खुशबू, ये गलियां बल्ली मारान की, ये लाल किला, ये जामा मस्जिद देखिए, ये चौक ये फव्वारे, ये चांदनी चौक देखिए। दिल वालों की दिल्ली, गालिब की दिल्ली और सांस्कृतिक प्रदेश दिल्ली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जय हिंद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति लेते हैं हम। एक मानचित्र है जिसमें हम देख पा रहे हैं दिल्ली प्रदेश, इसका आधिकारिक नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR है। दिल्ली अपने दोनों तरफ से हरियाणा और यूपी की सीमाओं के साथ अपनी सांझी विरासत के साथ अपना भौगोलिक ढांचा शेयर करती है। दिल्ली राज्य या दिल्ली प्रदेश 11 जिलों में बटा हुआ है। इन 11 जिलों को आप देख सकते हैं। आबादी की दृष्टि से दिल्ली भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। 1,47,00,000 की आबादी 2011 की जनगणना में थी और स्वाभाविक है कि जब अगली जनगणना होगी तो हम बहुत आगे निकल चुके होंगे, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जो सभी संस्कृतियों को अपने में संजो लेता है, अपने में समाहित कर लेता है। इसको हम मिनी इंडिया के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ आप देख पा रहे हैं दिल्ली का स्थानीय शासन जो 3 निकाय मिलकर चलाते हैं। एक दिल्ली नगर निगम MCD क्षेत्र उसको कहते हैं, दूसरा क्षेत्र NDMC जो नई दिल्ली के क्षेत्र को संभालते हैं, और तीसरा दिल्ली कैंटोनमेंट, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी सैनिक छावनी है और क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है तो यहाँ की प्रशासनिक और स्थानीय सुरक्षा की जिम्मेवारी भी सैनिकों की है और हमारे दिल्ली कैंटोनमेंट का यह क्षेत्र आता है। अब हम देखते हैं इस मैप को, आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो हमें पता चलेगा
हमारी पवित्र यमुना माँ उनके स्पर्श से हमारी सांस्कृतिक भूमि को स्पर्श मिला है, तो वो खुशबू, वो संस्कृति दिल्ली के लहू में समाई हुई है। हम देखते हैं एक तरफ अरावली की पहाड़ियाँ, दक्षिण में अरावली पहाड़ियाँ और पूर्व में यमुना का शहर, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत में अपनी एक नई छाप छोड़ते हैं। और सदियों सदियों जब से दिल्ली बनी भी नहीं थी तब से सभी राज्यों से आने वाली सुगंधित हवाएं और वहां के रंग रूप ने इस पूरी संस्कृति को अपने अंदर संजो लिया है। दिल्ली को पहले देहलवी के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले दिल्ली का उल्लेख उदयपुर के शिलालेखों में 1180 के आसपास पाया जाता है। माना जाता है कि तोमर वंश के शासक ने दिल्ली ढीली नाम रखा था, ढीली, तो उसी का जो है स्वरूप बदलता बदलता दिल्ली हो गया। यह भी माना जाता है कि उस समय सिक्कों की ढलाई को देहलवी कहा जाता था, दिल्ली का नाम उसी से पड़ा है। और 1911 में जब अंग्रेजों ने राजधानी के रूप में दिल्ली को चुना, तभी से इसके आधिकारिक राजधानी के रूप में इसको इसकी पहचान मिली। तो दिल वालों की दिल्ली है। और दिल्ली के बारे में और जानने के लिए मैं अपनी साथी शकुंतला को आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। मैं आपको दिल्ली के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा ब्रीफ से बताऊंगी और उसकी शुरुआत मैं गालिब जी के खेल से करती हूँ। कुछ इस तरह से जिंदगी को आसान कर लिया, कुछ इस तरह से जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी ली तो किसी को माफ कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसा कि मैडम ने बताया कि जो दिल्ली है ये राजधानी पांडव काल से रही है, तो महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली को अपनी राजधानी चुना था। उसी समय से इस शहर को इंद्रप्रस्थ के नाम से भी उस समय जाना जाता था, जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं। 7वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक तकरीबन 11 राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया था। अगर देखा जाए तो दिल्ली के जो वास्तविक संस्थापक हैं उन्हें वो राजपूतों को माना जाता है। 736 में पहले तोमर वंश ने शासन किया और आनंदपाल तोमर इनके पहले राजा बने, जिन्होंने लाल कोट किले का निर्माण करवाया था, जो दिल्ली का पहला शहर माना जाता है। और बाद में मुगल काल के राजकवि अबुल फजल ने इस कोट के बारे में कहा था, लाल कोट किले के बारे में, कि इसे किला राय पिथौरा कहा जाए क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से ज्यादा फेमस हुआ है। आनंदपाल जी जो आज की डेट में हम कुतुब मीनार, अगर आप में से कई लोग कुतुब मीनार गए होंगे तो वहां पर एक आयरन पिलर लगा हुआ है लंबा सा, तो ऐसा माना जाता है कि आनंदपाल जी इसे जो है मध्य प्रदेश से यहाँ पर लाए थे और उन्होंने यहाँ पे लगवाया था। अनंतपाल तोमर द्वितीय के, अनंतपाल तोमर सेकंड के पोते का नाम पृथ्वीराज चौहान था और उनका जो टाइम पीरियड जैसे 1121 से 92 है। और माना जाता है कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली, समझदार और यशस्वी शासक उस समय के रहे थे। उन्हें एक पहले से ही उन्होंने भांप लिया था कि उनके राज्य पर चारों तरफ से इस्लामिक जो ताकतें हैं वो मिलकर आक्रमण करने वाली हैं। तो उन्होंने क्या कोशिश करी कि अपने आसपास के जो शासक थे उनको मिलाकर उन्होंने तैयारी पहले से करी कि अगर हमारे ऊपर आक्रमण होता है तो हम इस आक्रमण को रोक पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने भाईचारे के आधार पर जो पहला ये हुआ था 1191 में तराइन का पहला युद्ध, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण करा, वो सिंध से पंजाब और फिर दिल्ली की तरफ आया था। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान ने अपने सभी साथियों के साथ, क्योंकि मोर्चा संभाला हुआ था, तो वो तराइन का प्रथम जो युद्ध था उसमें जीत गए थे। बट राजपूतों की एक नीति थी कि अगर कोई उनसे माफी मांग ले या कोई निहत्था हो तो वो उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी ने उनसे माफी मांग ली कि मेरे प्राण बख्श दो,
वरना मतलब आप मुझे, क्योंकि मैं हार चुका हूं तो आप मुझे मार देंगे। तो कहीं ना कहीं राजपूतों की ये जो दरिया दिल की जो नीति थी उन पर आगे आने वाले समय में भारी पड़ी। मोहम्मद गोरी ने अगले वर्ष दोबारा से आक्रमण करा और उस समय कुछ पास पड़ोसी साथियों का उन्हें पृथ्वीराज चौहान को वो नहीं मिला, मतलब सपोर्ट नहीं मिला, तो मोहम्मद गोरी ने उन पर आक्रमण करा, उनको हराया और उसने उस समय उनकी जान नहीं बख्शी, उनको मार दिया। तो 12वीं शताब्दी के करीब मोहम्मद गोरी ने सिंध और पंजाब के क्षेत्र को जीत लिया था। सल्तनत के बारे में कहा जाता है, या मतलब टोटल जो है पांच वंशों ने दिल्ली सल्तनत जो पूरा टाइम पीरियड है वो कवर करती है। तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, पांच वंशों ने मिलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, जिसमें जो स्टार्टिंग है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी 1206 में, और जिन्हें वो जो है मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, तो इसके इसे गुलाम वंश कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, फिर बाद में रजिया सुल्तान शासक बनी, जो कि दिल्ली की पहली महिला शासक थी। सर भारत में तो कई है, दिल्ली की पहली महिला शासक थी। और क्योंकि उस समय समाज ऐसा था कि वो महिला को एक राजा के रूप में, शासक के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता था, तो चार वर्ष के बाद ही उन्हें अपनी सत्ता से हटना पड़ा। उसके बाद जो है फिर हम देखते हैं कि खिलजी वंश आता है, जिसमें कि जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये माना जाता है कि उन्होंने जो है अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ नीतियां बनाई थी, जैसे कि उन्होंने जो है लेदर के, चमड़े के कॉइन्स चलाए थे। तो उसके बाद जो है अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो जो प्रमुख राजा रहेंगे, खिलजी वंश के बाद जो आएगा तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसमें बहुत फेमस है और उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा काम उस समय करा था। हमारे लिए अगर हम कला के स्वरूप में देखें तो हमारे जो भारतीय संस्कृति है वो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल सारी ही मतलब इस्लामिक संस्कृति से भी बहुत प्रभावित है। इसे यहाँ पर जो भी इमारतें कई बनी हैं जो दिल्ली सल्तनत के काल में बनी है या मुगल काल में, उन्हें इंडो इस्लामिक शैली में बनाया गया है। साथी सो रहे हैं कि नहीं, तो आज आप और जाग जाइए, हमें पता है 8 दिन आपने कुछ असुविधाओं के साथ गुजारे हैं, पर सीसीआरटी के प्रांगण से हमें जो मिला है उनके आगे वो सुविधाएं कोई मायने नहीं रखती, तो थोड़ी देर और सब्र बनाए रखें। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी साथी अंजू को, जो दिल्ली के पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देंगी, ये हमारे सांस्कृतिक केंद्र भी है। वैसे तो दिल्ली मैप में बहुत छोटी सी दिखाई देती है, लेकिन दिल्ली भारत का दिल है और दिल की क्या इम्पोर्टेंस होती है ये सभी को पता है, तो कुछ शब्दों में मैं दिल्ली को पिरोना चाहूँगी। दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरा दिल, हमारी है ये शान दिल्ली, सदियों का इतिहास यहाँ, जन जन का विश्वास यहाँ, इंडिया का ये दर्पण है, जवान दिलों की धड़कन है, नन्हे मुन्ने सुबह सुहानी, मधमाती हर शाम दिल्ली, चमक दमक फैशन व स्वाद, व्यस्त जिंदगी भागम भाग, कथक कवाली ईद दिवाली, हरियाली खुशहाली, कुतुब कालिंदी किला कमल मंदिर अक्षरधाम दिल्ली, यहाँ जो आता यहीं बस जाता, ऐसी यहाँ की मस्ती है, दिल्ली में बसने वालों के दिल में दिल्ली बसती है, वासियों की प्यारी दिल्ली, शत शत इसे प्रणाम दिल्ली। लाल किला, हुमायूं का मकबरा जिसे हुमायूं की बेगम ने बनवाया था, ये कहाँ पर है मैम? इंडिया गेट तो देख लिया सबने, जंतर मंतर है राजीव चौक के पास है, सीपी में कनॉट प्लेस, राजघाट महात्मा गांधी जी की समाधि है, एक दिन और ट्रिप लगाएंगे। जामा मस्जिद, ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। अमृत उद्यान,
मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया है, जहाँ पर बहुत तरह तरह के फूल हैं और वो सर्दियों में खुलता है। गुरुद्वारा बंगला साहिब ये सीपी में है और लास्ट में संसद भवन, अक्षरधाम मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है जिसमें हमारी संस्कृति को दिखाया गया है। कालकाजी मंदिर ये कालकाजी में है साउथ दिल्ली में। श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल बिरला मंदिर के नाम से जाना जाता है। झंडे वाला मंदिर, कात्यानी मंदिर, लक्ष्मी विनायक टेम्पल, अशोका संगम होता है। यहाँ के लोग विभिन्न सफरों, समारोह और आर्थिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं। दिल्ली की संस्कृति में खाना, म्यूजिक और कला का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के त्योहार, खेल और कला समारोह आयोजित होते हैं, जिनमें लोग बड़े आनंद से भाग भी लेते हैं। दिल्ली की संस्कृति में ऐतिहासिक स्थलों का भी महत्वपूर्ण स्थान है और वहाँ के लोग अपने इतिहास और धर्म के प्रति गर्व महसूस करते हैं। हो मेरे देश का श्रृंगार, देश का श्रृंगार, रोशनी बड़ी बहार, रोशनी बड़ी बहार, आज नची नची उड़ी उड़ी जाना है, देसी को सूरज बनाना है, सूरज बनाना है, मेरे हर दिन दिया नुहारा नबिया, हर दिन दिया नुहारा नबिया, नबिया मौज मनारा, मेरे देश की धरती लाली, मेरे देश की धरती लाली। और इसी से स्पष्ट है भारत की राजधानी दिल्ली यह एक राजनीतिक और संस्कृति का मिला जुला स्थल है। जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री प्यारे भाइयों और बहनों कहकर पुकारते हैं तो देश के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन में हलचल मच जाती है कि कैसे अब हम विश्व गुरु बनने की परिकल्पना में कोई नया आयाम रखेंगे। भारत की राजधानी दिल्ली का इसलिए भी महत्व है क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय है जो सभी के लिए न्याय को सुनिश्चित करता है, अमीर गरीब सभी लोगों को बराबरी का अधिकार देता है। यहाँ की संसद इस बात को सुनिश्चित करती है कि देश में लोकतंत्र की प्रतिबद्धता और निष्ठा बनी रहे। एक ऐसे केंद्र में हम बैठे हैं और हम इसको अपना सौभाग्य समझते हैं। संसद हो या न्यायालय, कला केंद्र हो अथवा भौगोलिक क्षेत्र, हम इस मायने में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि राजधानी दिल्ली में हमें रहने का अवसर मिला है। थोड़ी सी देर और सब्र बनाए रखें, दिल्ली के व्यंजनों के बारे में जानकारी देंगी अंजू मैम। शहरा, नवरात्रे, लोहड़ी, ओणम, ईद, क्रिसमस डे, सभी त्योहार जो है, सभी धर्मों के त्योहार यहाँ पर मिलजुल कर सभी लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। हाथ मत उठाओ रितु जी, कौन भंगड़ा करेगा? बारी बरसी खटने गया सी, खटके ले अंदाजी थी, भंगड़ा ता सजदा जब नीचे सी सी आदी, भंगड़ा ता सजदा जब नीचे सी आदी, भंगड़ा ता सजदा जब नीचे सी सी आदी। जो सबसे महत्वपूर्ण है, अब मैं गंभीर रूप से आपका ध्यान यहाँ चाहती हूँ। दिल्ली दिल्ली वासियों के जड़ों में है, लेकिन जब दिल्ली की बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें लुप्त होती जाती हैं या उनके अस्तित्व पर खतरा पड़ता है तो हमें बहुत दर्द होता है, हमारी भावनाएं आहत होती हैं। ये दिल्ली की राष्ट्रीय पक्षी है गोरैया, जो एक समय बिल्कुल विलुप्त हो गई थी, लेकिन भारतीय सरकार के प्रयासों और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से संस्कृति
मंत्रालय के योगदान से आज दिल्ली में फिर से गोरैया चहचहाती है। यमुना का घटता क्षेत्र, आपको मालूम नहीं है जब हम बचपन में छोटे छोटे यमुना में स्नान करने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए जाते थे तो इसका विस्तार बहुत दूर तक था और इनके घाट इतने साफ थे, लेकिन जैसे जैसे दिल्ली की जनसंख्या बढ़ती गई, पूजा पाठ के औपचारिक तरीके रह गए और लोगों ने संस्कृति की जगह केवल पूजा पाठ के तरीकों को अपनाया तो हमारी यमुना का स्तर भी घटता चला जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से दिल्ली की झीलें लुप्त हो गई हैं। भारत के अंतरिक्ष विज्ञान ने जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, दिल्ली में बहुत सारी झीलें थी वो भी विलुप्त हो गई हैं, लगभग विलुप्ति के कारागार पे। और दिल्ली के बहुत सारे किलों में कुछ बावड़ियां हैं जिनका संरक्षण भारतीय पुरातत्व विभाग कर रहा है, वो तो बची हुई है, लेकिन भारत के गांव में भी कुछ ऐसी बावड़िया और जो कुएं थे वो सूखते जा रहे हैं। यहाँ एक बात आपको और मैं ऐड करना चाहूंगी, आप लुटियन शैली को देखते हो और आपको ऐसे लगता है जैसे दिल्ली चकाचौंध वाली राजधानी, ऐसा नहीं है। दिल्ली का इतिहास यहाँ के 350 गांवों में से भी है और मुझे बहुत बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि दिल्ली के एक ऐसे गांव से मैं आती हूँ। दिल्ली के 350 गांवों का इतिहास इतना प्राचीन है, चाहे लोक संस्कृति हो अथवा नृत्य या किसी भी प्रकार का गायन वादन, उनका योगदान अतुलनीय है। दिल्ली से झीलें गायब हो गई हैं, लुप्त होती सराय, जैसा कि देव नारायण जी ने हमें याद दिलाया था, दिल्ली के बहुत सारे साउथ दिल्ली के गांव के नाम नेट सराय और इस तरह से हैं। तो दिल्ली में जो व्यापार होता था सिल्क रूट के रास्ते से, वो चीजें यहाँ से गायब हो गई हैं क्योंकि इनका अस्तित्व और संरक्षण लोगों को शायद समझ नहीं आता या जागरूकता में कोई कमी है, लेकिन भारतीय सरकार के प्रयास से पुरातत्व विभाग और हमारा संस्कृति मंत्रालय जिनके अधीन हमारी CCRT भी आती है, इस प्रयासरत है कि ये सारी चीजों को जीवित रखा जा सके और इसी लुप्त धरोहर को बचाने में CCRT अपना एक अहम योगदान देती है। और CCRT का प्रमुख लक्ष्य है अपनी सांस्कृतिक विरासत को शिक्षण से, शिक्षा से जोड़ना, उन नन्हे नन्हे बालकों की जड़ों में उन संस्कारों को भरना जिससे वो अपनी जड़ों को बचा सके, दिल्ली को बचा सके, भारत को बचा सके। और CCRT के इस पुण्य प्रयास के लिए और संस्कृति के बचाने के लिए आपके उत्तरदायित्व को हम सलाम करते हैं सर। और हम सभी शिक्षक, चाहे वो दिल्ली के हो अथवा 16 राज्यों से आए हुए सभी शिक्षक, आपका इस काम में अवश्य ही सहयोग देंगे। थैंक यू। सुरी नदिया हरदी चाहते बहके सागर बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के मिले सुनने का तुम्हारा तो सुन तेरा सुर मिले मेरे सुर के नाम मिलके पड़े के मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा मुझे सुर तुझे सा प्यारा मिले कदे गीत असा जो मधुर तरानो बने तले सुर का दरिया बहके सागर में मिले बदला दा रूप लेके बरसने நமதாகும் திசை தேரா
Oh!